हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करते हैं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट VVA माइक्रो प्रोग्रामिंग। तो एक बार फिर से इस वीडियो में आपसे मैं माफ़ी चाहूंगा कि मैं बहुत दिनों बाद वीडियोज अपलोड कर रहा हूं। आपके बहुत सारे कॉल्स मैंने अटेंड नहीं किए क्योंकि मैं कोविड पॉजिटिव था और होम आइसोलेशन में था। कोविड पॉजिटिव तो अभी भी हूँ, बट अभी थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा कुछ वीडियोज आप लोगों की प्रॉब्लम की पे बनाया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल में सिर्फ एक्सेल की चीज़ें नहीं बताई जाती, आपकी प्रॉब्लम के ऊपर भी हम वीडियो बनाते हैं। तो हमारे मोबाइल ऐप यूजर है, जी हाँ मेरा मोबाइल ऐप भी है, हमारे मोबाइल ऐप यूजर मिस्टर संदीप कुमार तिवारी है, उन्होंने मुझसे एक प्रॉब्लम से डिस्कस की है, आज ही पूछा उन्होंने और मैं टाइम निकाल के इस पे आज ही वीडियो बना रहा हूँ। तो प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने देखिए इमेज इन्होंने भेजा है कि उनके पास इस तरह का सेल्स टारगेट सेल्स है और इंसेंटिव्स है, और सेल्स के अगेंस्ट वो इंसेंटिव को लुकअप करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए इंसेंटिव्स है, इंसेंटिव टारगेट टेबल्स हैं, और यहाँ पे कितना इंसेंटिव देना है वो है, और यहाँ पे सेल्स के परसेंटेज है कि क्या सेल्स परसेंटेज हुआ तो इस इंसेंटिव स्लैब में से उतना इंसेंटिव है। हालांकि वो गलती कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए इसका सही चली तरीका जो होगा हम आपको समझाते हैं। इसके लिए मैंने एक नया सीट लिया। तो जैसे कि उनका डेटा है सेल्स स्लैब, या स्लैब कर लीजिए, उन्होंने कुछ और लिखा है बट मैं स्लैब कर देता हूँ, और यहाँ पे आई इंसेंटिव, और कहीं और यहीं पे नीचे हम यहाँ पे सेल्स और यहाँ पे आई एंस। तो स्लैब कहता है कि मान लीजिए 40% to 80%, उनका कुछ भी और हो, लेकिन मैं आपको आप लोगों को समझाने के लिए अलग तरीके देता हूँ। तो यहाँ पे 81% टू 120% हो तो 400। तो जो इन्होंने लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है, बस इनका लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता कि यहाँ वो लिखते 0%, तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 41%, यहाँ पे 200, या 40% होना चाहिए ना, 40%, और यहाँ पे आपका 81%, यहाँ पे 400, 120%, यहाँ पे 600, 140%, तो यहाँ पे 800, और 201% हुआ, तो यहाँ पे हम 1000 करते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि इन्होंने जो लगाया उसमें, तो इन्होंने जो इस तरह से स्लैब दिया, इनकी जो स्टार्टिंग पोजीशंस है उसमें जीरो कर, स्टार्टिंग जीरो करके और स्टार्टिंग पोजीशंस को यहाँ पे लिखना है। जैसे मैंने 40-80 था तो जीरो पे मैंने जीरो दे दिया, मतलब 40 से ऊपर वाले पे जीरो और यहाँ पे डाल दिया। जैसे मान लीजिए किसी का अगर 87% आया हुआ है तो यहाँ पे हम लुकअप का फॉर्मूला लगाते हैं, लुकअप, यहाँ पे लुकअप वैक्टर और यहाँ पे रिजल्ट वेक्टर। ये रिजल्ट आपके सामने आ गया 400 रुपीज। देखिए सबका स्टार्टिंग पोजिशन, इसमें हम लुकअप फॉर्मूला ही नहीं, इसमें हम वी लुकअप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। वी लुकअप हमने इसको दिया और हमने दोनों को स्लैब को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा टू कॉमा, यहाँ पे ट्रू लिखिए, मतलब कि वन लिख दीजिए, जो जनरली हम फॉल्स या जीरो करते हैं उसके जगह पे वन कर दीजिए, तो रिटर्न रिजल्ट आपके सामने आएगा 147%, 800 आ गया। इस तरह का इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा और आप लोग भी चाहते हैं कि आपके लिए भी इसी तरह के मैं वीडियोज बनाऊं आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन पे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, साथ में मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लें, कभी कुछ पूछना हो तो मुझसे डायरेक्ट फ़ोन करके पूछ सकते हैं। और हाँ एक चीज़ और, हाँ आपको सिक्वेंसली वीडियो चाहिए तो आप मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें, मेरे मोबाइल ऐप के स्टोर सेक्शन में सारे के सारे कोर्सेज हैं शुरू से अंत तक, और मेरे मोबाइल ऐप से आप मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं, क्योंकि मोबाइल ऐप के सवाल को मैं जल्दी
आंसर करता हूँ। तो फटाफट मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, मोबाइल ऐप जो इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया, या फिर एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग सर्च करें, या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस लिंक पे क्लिक कीजिए। थैंक यू।